सोना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ रोजी, आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज है मंडे, अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का, 5 बज रहा है। तो शाम से मेरा ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इवनिंग टू नाइट रूटीन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू सायरोजी ब्लॉग, और पास में जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। उसमें क्या होगा, मेरे जितने भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे लॉन्च के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद हमारा शुरू होता है जो इवनिंग का काम। सबसे पहले रेस्ट के बाद हम लोग उठते हैं ना, सबसे पहले शाम का झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है हमारे इधर। आज ना मिस्टर सारे सब्जी लेके आए थे मॉर्निंग में, सारे वॉश करके मैं सुखाई थी, अभी उसको ना स्टोर करना है। ये आजकल जब से ये कोरोना आया ना, ये सबसे बड़ा काम एक तो ना ऊपर आ गया हमारे ऊपर, एक सबसे बड़ा काम। और इतना सब्जी का रेट इतना हाई फाई है, भगवान, सब कुछ महंगा है सब कुछ। चलो इसको फ्रिज में अभी मैं स्टोर कर देती हूँ। मैं ना आज आपके साथ ना पाव भाजी शेयर करूंगी, कब का ला के रखे ना, बनाऊंगी करके नहीं बना पा रही थी, तो आज बनाऊंगी पाव भाजी। पर सिंपल वे से आप बना सकते हो आराम से, जैसे हम लोग ठेले में खाते हैं ना, स्ट्रीट स्टाइल, पूरे उस टाइप का पूरा बनाऊंगा, पूरा इजी है। यहाँ पर देख लीजिए मैं क्या क्या डालने वाली हूँ पाव भाजी में। ये तो हो गया हमारा ये पाव, उसमें जाएगा ये पोटैटो, मैं बॉईल करके रखी हूँ। ये टमाटो, टमाटो थोड़ा सा ज़्यादा जाता है उसमें। ये धनिया पत्ती, ये ग्रीन चिली, ये अदरक और गार्लिक का पेस्ट है, मतलब दरदरा में कूट के रखी हूँ। आपके पास पेस्ट है तो आप डाल दीजिए, मेरे पास पेस्ट नहीं था अभी, मैं जैसे इंस्टेंट बनाना है तो उसको मैं कूट ली, इसमें भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और ये बारीक करके प्याज, ये पत्ता गोभी, और ये शिमला मिर्च, और ये मटर, ये सारे कुछ सब कुछ रेडी है। और जो हमारा बाकी मसाला है उसमें मेन मसाला होता है क्या ना, जो हमारा कश्मीरी रेड चिली होता है कलर के लिए, धनिया पाउडर, और ये एवरेस्ट का ये पाव भाजी मसाला, और थोड़ा सा रेड चिली जो स्पाइसी वाला वो आता है, और उसमें कुछ नहीं जाता, बस। यहाँ पर सब्जी को मैं स्टोर कर रही हूँ फ्रिज में, उसके बाद फिर जाके शाम की जो दियाबत्ती, तो दियाबत्ती अभी मेरी हो गई है। जल्दी पाव भाजी बनाओ, मुझे भूख लग रहा है। मेरा हाथ की चाय पी बस। मेरे हाथ की है, किसके हाथ में चाय? चाय हमारा रेडी है, किस किस को पीना है आ जाइए। ये उसकी डाल है सोना की, तो ये उसका स्टूल है, उसको रख के उसके सामने ना एक खाली कटोरी रखी है, उसको कुछ खाने के लिए दी थी शायद, रखी थी, फिर बाद में लेके वो खा ले। बच्चे ना क्या क्या खेलते रहते है ना? ये कौन है बाबू? ये कौन? मम्मा सारे चीज ला के उसको रखती है। देखो ये उसके टेबल है पूरा। देखो मेरे सोना ने क्या लिखी, मामा। शाम का सबसे बड़ा काम जो होता है ना, बच्चे को पढ़ाना है। जब बच्चे चाहे बड़े हो या छोटे, उनके पास में बैठना जरूरी है। मैं यहाँ पर बैठ के मेरे बड़ी बेटी को थोड़ा सा नोट लिखने में मदद कर रही हूँ। मुझे ना मैथ को छोड़ के और बाकी सारे सब्जेक्ट आती है, मैथ में मैं ना पूरा जीरो हूँ,
तो यही मेरा सबसे काम इम्पोर्टेंट काम होता है। और उसको भी मोबाइल चाहिए ऑनलाइन क्लास करने के लिए, ये छोटी सोना को, बस यही चलता रहता है शाम को। अभी पाव भाजी बनाना स्टार्ट करेंगे। पाव भाजी तो हमेशा बटर से बनता है, बट हम थोड़ा सा रिफाइन ऑयल और बटर दोनों को मिला के हम बनाएंगे, नहीं तो बटर में क्या है ना पूरा जलने का ये आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा ऑयल देंगे और बटर ज़्यादा देंगे तभी जाके उसमें ना बटरी फ्लेवर जैसे आएगा। बटर थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जाएगा। इसमें क्या करेंगे अभी जीरा इसमें ऐड करेंगे। गैस को पूरा स्लो रखना है नहीं तो पूरा बटर जल जाएगा। अभी एक ग्रीन चिली ऐड कर देंगे उसमें। ये प्याज प्याज को हम ज्यादा फ्राई करने की जरूरत नहीं, हल्का से जैसे गुलाबी कलर आ जाएगा ना तो देन इसमें हम सारे सब्जियां ऐड कर देंगे। अब ये जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है उसको ऐड कर देंगे। ये अदरक और लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अभी ना ये धनिया पत्ती को छोड़ के बाकी जो सारे सब्जी है ना सब कुछ ऐड कर देंगे उसमें। इसको भी कवर करके थोड़ा सा आप पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी इसको ओपन करके देखेंगे। ग्रीन पीस ऐड कर देंगे उसमें। पानी ऐड कर देंगे ये बॉईल होने के लिए। इसको फिर से कवर करके छोड़ देंगे। जैसे हमारा सब्जी बॉईल हो जाएगा ना ये जो मैसर है ना मैं खास इसको ही पाव भाजी बनाने के लिए लाई थी, ये मैसर से हम लोग सारे मैश कर देंगे। ओके चलो ओपन करके देखते हैं। जो बॉयल पोटैटो रखे है ना अभी उसमें ऐड कर देंगे। ये पूरा भरता बन चुका है उसका। आपको जितना फाइन खाना है ना आप करिए। गैस को थोड़ा सा स्लो रखेंगे।
इसको बीच में थोड़ा सा साइड ऐसी कर लेंगे, इसमें ना भी तड़का लगाएंगे। जैसे बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा पूरा, ये स्पाइसी वाला रेड चिली है इसमें ऐड करेंगे। और ये इसमें ये कोरिएंडर पाउडर है, ये थोड़ा सा ज्यादा जाता है, पूरा भर के आप डालिएगा। और ये कश्मीरी रेड चिली है, उसको कलर के लिए इसको डायरेक्ट ऐसे डाल दूंगी। और ये पाव भाजी मसाला है, इसमें भी ऐड कर देंगे। यहीं पर इसको फ्राई कर लेंगे। और एक्स्ट्रा आपको तड़का पैन लेके तड़का लगाना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये किचन में ना थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, इसलिए कलर नहीं दिख रहा है। और अभी इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। अभी तक हम सॉल्ट ऐड नहीं किए थे, टेस्ट के अनुसार सॉल्ट। सब कुछ को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। क्या टेस्ट, खुशबू आ रहा है सच्ची में। राय जा रहा आपको मैं खिला सकती ना, तो क्या बताऊं। ये पूरा हमारे छत्तीसगढ़ स्टाइल बन रहा है पाव भाजी। पानी ऐड कर देंगे। जितना आपको खाना है पानी थोड़ा सा ऐड करिएगा। थोड़ी देर उसको बॉईल आने के बाद कोरिएंडर और ऊपर से और थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे। हो गया हमारा, भाजी रेडी हो जाएगा। फिर पाव सीखेंगे अभी। सबसे लास्ट को क्या डालेंगे पता है, ये लेमन, ये है मेन खट्टा मीठा टेस्ट लाने के लिए। थोड़ा सा उसको निचोड़ लेंगे। इसको थोड़ा सा बीच में इसी कट करेंगे, थोड़ा सा लगे जैसे ये ना पूरा लगा रहना है, इसको पूरा ऐसी कट नहीं करना है। इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। ये पूरा स्ट्रीट स्टाइल बन रहा है ना, थोड़ा सा धनिया पत्ती। और इसको जो कट करके रखे थे ना, इसका भी डाल देंगे। कैसा लग रहा है? हाँ।
सचिए बताओ सर, आपने तो कमाल ही कर दिया। अच्छा ओहो ओहो, स्वीट टाइप पाव भाजी फिर है। चलो हम लोग नीचे खाते हैं। नहीं चलो नीचे नीचे चलो। एक मिनट, गरम है, गरम राजस्थान की खुशबू आ रही है। ये मुंबई स्टाइल राजस्थान की कहाँ आ रहा है। After so many days, I have made it. Wow. Sona. बोल पापा, पापा बोल, मेरा तेलुगु भाषा पापा पापा। आप सोच रहे हो फ्रेंड अभी कुर्ती पहनी थी, ड्रेस चेंज क्यों कर रही इतना नाइट को, क्योंकि एक्चुअली मेरी जो छोटी बेटी है ना सोना, वो खा रही थी, पता नहीं उसको शायद नजर लगा है क्या, पता नहीं वो ना पूरा वोमिटिंग कर दी, तो मेरे ऊपर कर दी, मैं खिला रही थी, तो इसलिए ना पूरा चेंज करना पड़ा। वो ना बिल्कुल भी नहीं खाती है, उसको जोर जबरदस्त करो ना एक दो स्पून खाए के बस हो गया उसका, हमेशा ना उसको खेलने के मूड है, मतलब 24 घंटा उसको खेलने का मूड है। यहाँ पर मैं बर्तन को क्लीन करूँगी, करने के बाद जाके ना जितने भी जो हमारे हॉल में जो सब बैठते हैं, सोफ़ा कवर गंदा होता है, गंदा मतलब क्या ना इधर उधर सब हो जाते हैं, सोने से पहले ये सारे काम मैं करके सोती हूँ कि सुबह उठ के ना मुझे टेंशन ना हो, पूरा मुझे अच्छे से चैन से नींद आए पूरा। मैं हमेशा यही करती हूँ, सब कुछ ठीक करके फिर जाके सोने के लिए जाऊँगी। देखिए गाइस, पूरा क्लीन हो चुका है किचन मेरी पूरा, और यहाँ पर सारे वॉश करके उसको रखियो, कल सुबह रैक में उसको रखूँगी। देखिए कितना सारा काम कर लिया मैंने, और ये पूरा नीट एंड क्लीन। आजकल जो सबसे बड़ा रूटीन होता है हमारी लाइफ में वो क्या है ना, नाइट को हल्दी वाला दूध, ये सबसे बड़ा रूटीन है आजकल। लीजिए आपका ग्लास, मिस्टर खड़े यहाँ पर। चलो अभी थोड़ी देर न्यूज देखेंगे, उसके बाद फिर सोने जाएंगे। एक्चुअली अभी टाइम देखिए, अभी 11 बजने वाला है, बजा नहीं। अरे यहाँ पर थोड़ा सा न्यूज गाइस, अभी सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, हमें अभी बेड में आ गए। अभी देखो मैं अभी स्किन केयर करने जा रही थी ना, मेरा स्क्रब वो पकड़ी है, नहीं दे रही, देखो देखो बदमाश, नहीं दे रही, दे दो दे दो। अभी थोड़ा सा फेस को वॉश करना है, फिर उसके बाद ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना उसको अभी एडिटिंग करूँगी, आप लोग देख पाओगे मॉर्निंग में। अरे बाप रे, उसका गुस्सा देखो, बाय करो, बाय बाय करो बाबू, बाय। किसी दे दो, किसी 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 दे दो, मुझे नहीं उनको दे दो, फ्रेंड को दे। शाम से लेकर रात तक कैसा मेरा टाइम पास हुआ है, तो कैसा कैसा मैं क्या क्या करती हूँ सब कुछ आपके साथ शेयर करें। जैसे एक हाउस वाइफ को करना है, घर है, बच्चे है, कुकिंग करना है, सब कुछ संभालना है, एवरी डे जो इवनिंग का काम सेम नहीं रहता है, कुकिंग सेम रहता है। एंड जैसे आज का कोई फ्री टाइम है तो मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ, जैसे स्किन केयर हो गया या अपने लिए कुछ पढ़ाई करना है ऐसा कुछ, तो एवरी डे का कुछ अलग अलग रहता है, लेकिन कुकिंग जितने भी हाउस का काम है सब कुछ सेम रहता है।
और बाकी एक्स्ट्रा जो करते हैं वो थोड़ा बहुत अलग अलग रहता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये जो छोटा सा ब्लॉग आप सबको बहुत पसंद आएगा फैमिली के साथ। अगर पसंद आएगा तो क्या करना है, आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट। बोलो गुड नाइट, गुड नाइट।